अजमेर में पुलिस के जवान ने एक बार फिर पुलिस महकमे की छवि को धूमिल किया है। कांस्टेबल पर पीड़िता ने शादी का झांसा देकर 7 महीने तक बलात्कार करने का आरोप लगाया है। साथ ही लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए 2 बार गर्भपात भी करा दिया। इस मामले में पीड़िता द्वारा सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मामले की जाँच कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान द्वारा की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी कोतवाली शमशेर खान ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि हाल ही में नसीराबाद सदर में तैनात कांस्टेबल रिंकू कुमार द्वारा फेसबुक पर दोस्ती करते हुए उसे शादी का झांसा दिया गया और उसे जयपुर से अजमेर बुला लिया गया और करीब 7 महीने तक वह लिविंग रिलेशनशिप में एक साथ रहे। इस मामले में जब पीड़िता द्वारा शादी का दबाव बनाया गया तो उसने इस बात को अनसुनी कर दी। इसी बार 2 बार उसका गर्भपात भी कराया गया और अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकियां भी दी गई। पीड़िता द्वारा इस मामले में लगातार शादी के लिए दबाव बनाने पर कांस्टेबल ने पुलिस लाइन से अपनी बदली नसीराबाद सदर करवा ली, जिसके बाद पीड़िता ने उसे लगातार संपर्क किया लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। ऐसे में पीड़िता ने अपने साथ हुई इस घिनौनी हरकत की जानकारी सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी शमशेर खान ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस तफ्तीश में जुटी है और जल्द इस मामले में अग्रिम अनुसंधान करते हुए कार्यवाही की जाएगी। बलात्कार व महिला उत्पीड़न को लेकर महिलाएं पुलिस पर ही विश्वास करती हैं। ऐसे में पुलिस कांस्टेबल द्वारा इस तरह की हरकत करना पुलिस की छवि को धूमिल करने जैसा है। ऐसे में पुलिस को इस मामले में जल्द जांच कर ठोस कार्यवाही करनी चाहिए जिससे कि पुलिस का इनकलाब बुलंद रहे। प्रकरण बलात्कार से संबंधित, यौन शोषण से संबंधित है। इसमें पीड़िता की आइडेंटिटी उजागर रहने को रहता है, इसलिए मैं नाम दोनों के नहीं बता सकता आपको। क्या है मामला? प्रकरण में पीड़िता द्वारा ये कहा गया है कि गत 7 माह से वे लोग साथ रह रहे थे और अपराधी ने शादी का झांसा देकर उसका शोषण किया है, उसके साथ बलात्कार किया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है और जैसी वैधानिक प्रक्रिया होगी उसको अमल में लाया जाएगा। पीड़िता का आरोप था अश्लील वीडियो बनाया, गर्भपात भी कराया दोबारा। हाँ, ये उसने FIR में लिखा है। क्या लिखा था? जो आप बोल रहे हैं वही लिखा है। कॉन्स्टेबल है कहाँ पर तैनात था और अभी कहाँ होगा? मेरी अभी तक जो जानकारी में आया है उसके हिसाब से प्रार्थी द्वारा अपराधी के विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज कराया गया है उसमें यौन शोषण, बलात्कार व शादी का झांसा देकर उसका उसके साथ छल किया गया है। इस बाबत जो प्रकरण दर्ज हुआ है उसी का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। कहाँ करेंगे वाले आरोपी? अभी आरोपी से पूछताछ शेष है, जैसे ही आएगा आपको बताया जाएगा। पीड़िता ने बताया सर कहाँ करेंगे वाले? ये सर जाँच का विषय है और चूंकि महिला अपराध से संबंधित है तो मैं उजागर नहीं कर सकता।